तो दोस्तों यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नार्ज़ो 20 के टॉप 20 हिडन फीचर्स के बारे में, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। उन फीचर्स को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कैसे हो आप लोग यार, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरे हैं हम लोग। सब्सक्राइब करने से क्या होगा ना कि हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फीचर को इनेबल करने के लिए हमें सिंपली यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करना है, सेट आइकन, सेट आइकन स्टाइल पर यहाँ पर उसके बाद हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से आइकन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। अभी मटेरियल आप इसे पीबेल भी कर सकते हो, या फिर डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, या फिर कस्टम खुद से आप कर सकते हो। खुद से आपको यहाँ पर आइकन के चार शेप्स मिल जाएंगे। आप आइकन का जो मेन लोगो होता है उसे आपको कितना बड़ा करना है उसके लिए आपको फोरग्राउंड को बढ़ा घटा सकते हो। आइकन को कितना छोटा बड़ा रखना है उसके लिए आप आइकन को बढ़ा घटा सकते हो। कस्टम से भी आप बना सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ एक डिफ़ॉल्ट में भी ऑप्शन मिल जाते हैं पेबल का और मटेरियल स्टाइल। मुझे मटेरियल स्टाइल पसंद है, आपको जो पसंद हो आप वो रख सकते हो। दूसरे फीचर के लिए आपको यहाँ पर सिंपली सेटिंग्स में ही कन्वेंशन एंड टूल्स पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ स्मार्ट स्लाइड बार पर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने पर आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को ओपेक कर देना है और आपको यहाँ साइड में आपको एक स्लाइड बार मिल जाए, जिसे आप ऐसे स्लाइड करोगे तो आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट, फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर। इस पर आप ऐड पर यहाँ क्लिक कर और भी कई ऐप्स को ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ माइनस पर क्लिक कर किसी को हटा सकते हो। जैसे कि मैं माइनस पर कैलकुलेटर पर क्लिक करूँगा तो कैलकुलेटर हट गया, और मैं यहाँ व्हाट्सएप ऐड कर देता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट हटा के यहाँ पर क्रोम ऐड कर देता हूँ। आप जो चाहो ऐसे कर सकते हो यहाँ पर, और आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हो। आप, मैं डिफ़ॉल्ट पर रख रहा हूँ तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। दोस्तों तीसरे फीचर को इनेबल करने के लिए हमें सिंपली रियलमी लैब्स पर जाकर सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाई को ऑन कर देना है। ये क्या है ना कि ये आपके फ़ोन की पावर लेस कंज्यूम होगी नाइट में, मतलब रात में जब आपका फ़ोन स्टैंड बाई पर रहता है तो उस समय आपका पावर लेस कंज्यूम होगा। आपका जो नेटवर्क कनेक्शन और जो सेंसर सारे जो हैं वो पावर कम लेंगे, तो ऐसे आपका बैटरी बचेगा। दोस्तों चौथे फीचर को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ ऐप क्लोनर पर क्लिक करना होगा। ऐप क्लोनर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपने इंस्टॉल करके रखे होंगे, उनके आपको क्लोन बनाने के ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पर एक व्हाट्सएप है, इसका आप क्लोन बना सकते हो। क्लोन बनाने से दोस्तों क्या होगा कि आप दोनों, जैसे कि ये एक व्हाट्सएप हो गया ओरिजिनल और ये रहा उसका क्लोन, आप दोनों में ही दो काम कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये ओरिजिनल वाला व्हाट्सएप मेरा बिजनेस पर्पस के लिए हो जाएगा और ये क्लोन व्हाट्सएप मेरे पर्सनल पर्पस के लिए हो जाएगा, तो आप इस तरह से दो ऐप के दो क्लोन्स बना सकते हो। अब दोस्तों पाँचवा, छठा और सातवा फीचर आपको देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने पर आप यहाँ पर गूगल प्ले के सारे भी जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल किए हैं उन्हें आप स्कैन कर सकते हो कि इसमें कोई वायरस या फिर मालवेयर तो नहीं है। आप यहाँ पर इसे स्कैन कर सकते हो। छठा हो जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि आपके मोबाइल में एंड्रॉयड का सिक्योरिटी अपडेट आया है कि नहीं, आप उसे इस पर क्लिक कर चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये अपडेट के लिए चेक करने लगेगा, कांट चेक फॉर अपडेट, क्योंकि अभी मेरा नेट ऑफ है। मैं नेट ऑन कर देता हूँ, अब मैं फिर से चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो योर वर्जन इज़ ऑलरेडी अप टू डेट, तो आप इसे चाहो तो दोबारा से चेक कर सकते हो। दोस्तों सातवां जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा यहीं नीचे, स्क्रीन पिनिंग का। स्क्रीन पिनिंग आपको ऑन कर देना है। स्क्रीन पिनिंग से क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन दो, जैसे कि होते नहीं हैं दोस्त मांगते हैं फ़ोन कि यार लाओ तो थोड़ा यूट्यूब देखे, तो आपका फ़ोन यूट्यूब के लिए मांग के फ़ोन ले लेता है और दूसरे ऐप्स आपके खोलने लगता है, तो ऐसे वो आपके कई सारे पर्सनल डाटा को वो आपका देख लेता है, तो वो आपको ठीक नहीं लगता। तो आपको स्क्रीन पिनिंग ऑन कर लेना है सिंपली, और उसके बाद यहाँ रैम सेक्शन पर क्लिक कर जैसे कि आपने उसे सेटिंग्स दिया है, मान लीजिए वैसे तो कोई दोस्त लेता नहीं है सेटिंग्स, लेकिन आपने सेटिंग्स दिया तो आपको यहाँ पर दो डॉट्स है उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको पिन कर देना है। पिन करने के बाद आपको यहाँ ओके कर देना है। अब आपका कोई भी दोस्त अगर फ़ोन लेता है तो वो सेटिंग्स के बाहर नहीं जा पाएगा, सेटिंग्स के बाहर नहीं जा पाएगा। सेटिंग्स के बाहर अगर आपको जाना है तो आपको यहाँ रैम सेक्शन और ये बैक बटन दोनों को एक साथ दबाना होगा। उसके बाद ये आपको लॉक स्क्रीन पर ले आएगा कि
कि आप लॉक बताइए, तो आपको लॉक बताना, तो मैंने तो फिंगरप्रिंट लगाया हुआ, तो मैं फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ, तो खुल जाएगा और आप दूसरे ऐप्स पर जा पाओगे। अब दोस्तों आठवें फीचर के लिए आपको जैसे कि कोई भी एक एप्लीकेशन खोल लेना है, जैसे कि मैं अभी प्ले स्टोर खोल लेता हूँ, और आपको अपने तीन फिंगर से आपको स्क्रीन पे ऊपर की तरफ ऐसे करना है, इससे आपका स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो जब आप किसी ऐप को खोलेगे, जैसे कि मैं अभी दूसरा कोई ऐप खोला था जैसे कि गूगल क्रोम, उसे मैं खोल लेता हूँ, तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, किसी ऐप को ज़्यादा किसी ऐप को कम आप दे सकते हो। आप इस तरह से स्प्लिट स्क्रीन का तीन उंगली ऊपर करके यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन को वापस ऑफ़ करना है, तो आपको यहाँ रैम सेक्शन पर थोड़ी देर क्लिक किए रहना है और ये स्प्लिट स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों नौवां फीचर जो है वो है ऐप लॉक का, तो उसके लिए आपको यहाँ प्राइवेसी पर जाना है, सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आपको ऐप लॉक देखना है। देखो ऐप लॉक यहाँ पर आपको मिल गया, आपको इस पर क्लिक करना है। अभी तो मैंने फ़िलहाल अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है, अगर आप नहीं लगाए होगे, आपने स्क्रीन लॉक लगाया हो, तो आप सिंपली स्क्रीन लॉक डाल के अपने मोबाइल को अनलॉक करके आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ, उसके बाद आपको जिस ऐप को अनलॉक करना है, लॉक करना है, वैसे आप कर सकते हो। जैसे मैं जियो टीवी को लॉक करना है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे इनेबल कर दूँगा। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको सेट भी करने के लिए कह सकता है, कुछ डिफरेंट तो आप सेट भी कर सकते हो। अगर आपको अनलॉक करना है, तो जैसे मैंने गूगल एड्स पर लगाया हुआ है, तो मैं इसे अनलॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों दसवें फीचर के लिए आपको यहाँ पर सिंपली सर्च पर सर्च करना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर इस वाले एडिशनल सेटिंग स्क्रीनशॉट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। देखो ये दोस्तों, अगर आप इसे ऑन कर देते हो थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, तो आप जब भी तीन उंगली को ऐसे स्क्रीन पर सटा के नीचे खींचोगे, तो आपका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। और ये टच एंड होल्ड क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको इन दोनों को इनेबल कर लेना, अगर है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों को एक नया फीचर पता चल गया। दोस्तों टैप एंड होल्ड क्या है कि जैसे कि आपको किसी स्पेसिफिक एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे कि मुझे इतनी दूर का लेना है, तो मैं यहाँ पर टैप किए रहूँगा और उसके बाद मैं इसे नीचे स्लाइड करूँगा, तो उतने दूर का ये स्क्रीनशॉट दिखाएगा। आप इसे वापस एडिट भी कर सकते हो और इसे सेव कर सकते हो। और अगर आपको फुल स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको सीधे तीन फिंगर को ऊपर से नीचे स्वाइप कर लेना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, आप इसे देख सकते हो। यहाँ पर प्रीव्यू किस साइड हो, लेफ्ट राइट, राइट कर दोगे तो राइट साइड प्रीव्यू होगा, और लेफ्ट कर दोगे तो स्क्रीनशॉट लेने पर लेफ्ट साइड प्रीव्यू होगा। अब दोस्तों 11वां जो सेटिंग है, उसके लिए हमको एडिशनल सेटिंग्स में जाना होगा। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद हमको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिक ऑन ऑफ पर आपको यहाँ दोनों को पहले आप इनेबल कर लो, और इसे आप जैसे कि यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ 3 बजे, और रात के मैं इसे कर देता हूँ 12 बजे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि मेरा जो फ़ोन होगा वो रात के 12 बजे ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा, और सुबह 3 बजे ऑटोमेटिकली पावर ऑन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी बचेगी और आपकी बैटरी ज़्यादा दिन चलेगी। तो मुझे तो खैर इसे इनेबल नहीं रखना है, तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, लेकिन आपके लिए एक काम का फीचर साबित हो सकता है। दोस्तों 12वें फीचर के लिए हमें जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स में ही। वहाँ जाकर हमें सिंपली यहाँ पर देखना है रीसेंट टास्क मैनेजर को। तो हमें रीसेंट टास्क मैनेजर पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर ऐप में ऑफ रहेगा, आप इसे ऑन कर देना। इसे ऑन करने से क्या होगा कि जब भी आप रीसेंट पे जाओगे, तो आपको यहाँ पर रैम कितना शो है, कितना स्टोरेज में से कितना रैम आपका यूज है और कितना अवेलेबल है, वो आपको शो कर देगा। तो आप इसे इनेबल कर लोगे तो आपको शो होगा, अगर आप इसने अगर आप इसे डिसेबल कर दोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। तो मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही काम की चीज़ है। अब दोस्तों 13वें सेटिंग्स के लिए भी आपको कहीं नहीं जाना होगा, वो आपको इसी एडिशनल सेटिंग्स में ही मिल जाएगा। वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ज़्यादा फीचर तो अवेलेबल नहीं है। आपको यहाँ पर एक रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, यानी कि अगर आप इसमें माइक लगा दो या फिर आप इसे ऑन कर दो, तो आपका जो ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट माइक है वहाँ से आपका साउंड ये रिकॉर्ड कर लेगा। और सिस्टम साउंड जो कि एंड्रॉयड 10 में अवेलेबल है, उसे भी आप यहाँ पर ऑन ऑफ करके रिकॉर्ड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सारे भी ऑप्शंस को इनेबल करके उन्हें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों 14वां जो फीचर है वो आपको ऐसा है कि आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करे रहो और आपको वहाँ पर क्विक एक्शन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने यूट्यूब पर क्लिक किया है, तो मुझे सब्सक्रिप्शन, एक्सप्लोर और सर्च के तीन क्विक ऑप्शन मिल गए। तो मैं सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यूट्यूब खुल के सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों 15वें फीचर के लिए हमें सिंपली सेटिंग्स पर जाना है।
और सेटिंग्स पर जाने के बाद हमें यहाँ नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को आप में ऑफ रहेगा, आपको उसे ऑन कर लेना है। तो ऐसे आपका जो नेटवर्क स्पीड रहेगा वो आपको शो होगा कि आपका नेट का स्पीड कैसा है। तो मेरे लिए बहुत ही काम की चीज़ है, तो मैंने इसे अभी तक इनेबल करके रखा हुआ है। अगर आपके लिए काम की चीज़ हो तो आप भी इसे इनेबल करके रखिए। तो दोस्तों 16वें फीचर के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ टाइम पर क्लिक करना है। टाइम पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, शो आवर एंड टाइम, शो आवर मिनट्स एंड सेकंड्स एंड डोंट शो। तो आप जब आवर मिनट्स एंड सेकंड्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आवर मिनट और सेकंड तीनों चीज़ें ही शो करेंगी। अगर आपको सिर्फ दो ही चाहिए तो आप सिंपली दो को कर दो, अगर आपको नहीं ही चाहिए तो आप डोंट शो पर क्लिक करके उसे हटा सकते हो। तो मुझे तो आवर मिनट्स चाहिए, अगर आपको सेकंड भी चाहिए तो आप यहाँ से उसे इनेबल कर सकते हो। ये आपको फीचर इस फ़ोन में मिलता है। तो दोस्तों 17वें फीचर के लिए हमें नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इनसाइड बैटरी आइकन, आउटसाइड बैटरी आइकन एंड डू नॉट डिस्प्ले। आप अगर डू नॉट डिस्प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको बैटरी का परसेंटेज डिस्प्ले नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पर आउटसाइड बैटरी करोगे तो आपका जो बैटरी का परसेंटेज है वो आउटसाइड दिखेगा। अगर आप इसे इनसाइड द बैटरी करोगे तो आपका जो बैटरी परसेंट है वो बैटरी के इनसाइड दिखेगा। तो ये रहा इसका 17वां फीचर। तो दोस्तों 18वां जो फीचर है उसे रिकॉर्ड करते समय मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करना ही भूल गया। अरे यार, तो मेरा हाथ उस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जिससे मैं आप लोगों को 18वें फीचर को समझा देता हूँ। तो दोस्तों 18वां जो फीचर है वो है डार्क मोड का। तो डार्क मोड को इनेबल करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ सर्च पर सर्च करना है डार्क मोड। डार्क मोड पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ डार्क मोड इनेबल कर देना है। डार्क मोड इनेबल करने से आपका फ़ोन डार्क मोड में चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको शेड्यूल टाइम का भी ऑप्शन मिलता है, आप इससे आप कुछ भी कस्टमाइज टाइम रख सकते हो जिससे आपको किस बजे डार्क मोड ऑन हो जाना चाहिए और किस बजे डार्क मोड एंड हो जाना चाहिए। आप उसे यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी ऐप। मैंने इसका मतलब है कि आपको आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स हैं उनके लिए आपको डार्क मोड को इनेबल करना है या नहीं। दोस्तों ये तो अभी बीटा वर्जन में है तो ये इसमें कुछ आपको खराबियाँ देखने को मिल सकती है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ ना करो। आप सिंपली यहाँ पर चाहो तो मैनुअली भी डार्क मोड को हर बार ऑन करो जब आपको ज़रूरत हो, और नहीं तो आप शेड्यूल टाइम रख सकते हो कि मुझे इतने से इतने बजे तक डार्क मोड चाहिए और इतने से इतने बजे तक ये लाइट मोड में रहना चाहिए, तो आप उसे वैसे कर सकते हो। दोस्तों 19वें फीचर के लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है आई कम्फर्ट। तो आई कम्फर्ट आई सर्च करने पर ही आई कम्फर्ट आ गया। उस पर आपको यहाँ शेड्यूल टाइम मैंने किया हुआ है। अगर आप शेड्यूल टाइम ना करो तो आप यहाँ पर ऑलवेज़ ऑन करके भी आप इसे हमेशा ऑन रख सकते हो, या फिर शेड्यूल टाइम करके आप क्या कर सकते हो। मैंने इसे रखा है 10 PM पे स्टार्ट कर दिया है कि रात के 10 बजे ये आई कम्फर्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और एंड कब होगा तो अगले दिन सुबह 6 बजे, 5 बजे, आप जो चाहो उसे यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो मैं शेड्यूल टाइम रखता हूँ, और आपको हमेशा चाहिए तो आप ऑलवेज ऑन करके रखो, नहीं तो शेड्यूल टाइम काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों 20वां जो फीचर है उसके लिए आपको सिंपली सर्च करना है पावर सेविंग मोड। तो सर्च पर जाकर सर्च करना होगा पावर सेविंग मोड आ चुका है, तो इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सेव पावर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको अपने आपके फ़ोन में कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही है उसका आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसे आपको एक्सटेंड बैटरी लाइफ 40 मिनट्स पर क्लिक कर दोगे तो आपकी बैटरी लाइफ 40 मिनट्स और एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ जो बैटरी पहले कंज्यूम करी थी उसे अब ये बंद कर देगा। यहाँ पर आपको दो पावर सेविंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक है नॉर्मल पावर सेविंग मोड, एक है सुपर पावर सेविंग मोड। सुपर पावर सेविंग मोड जब आप ऑन करोगे तो सभी चीज़ें ऑफ हो जाएगी, तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑफ हो जाएगा, तो मुझे उसे ऑफ नहीं करना, तो मैं उसे नहीं करने वाला हूँ। आप पावर सेविंग मोड ऑन कर दोगे तो आपका फ़ोन पावर सेविंग मोड पर चल जाएगा जो कि नॉर्मल होगा। लेकिन सुपर सेविंग मोड यानी कि अगर आपके पास एकदम बिल्कुल ही बैटरी नहीं है तो आप सुपर सेविंग मोड ऑन कर दो, आप उसमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, बाकी चीज़ें, आपको 5-6 ऐप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उनमें से किसी को आप उसमें ऐड कर यूज कर पाओगे और कॉल तो मिलेगा ही। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और अगर आप चैनल पर नए हो यार तो उसे सब्सक्राइब करो, नहीं करो, और बाजू वाले घंटी के आइकन को दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।